नमस्कार दोस्तों, वीर शासन जयंती पर जैन मिलन लखनऊ संस्था ने विगत वर्षों से काफ़ी वर्षों से चले आ रहे कार्यक्रम का फिर से एक बार आयोजन किया। जैन समाज के बहुत सारे लोग यहां आए, एक दूसरे से परिचय प्राप्त हुआ, किताब का विमोचन हुआ, कई विभूतियों को सम्मानित करने के साथ साथ जैन समाज के मेघावी छात्रों का भी आज यहां सम्मान किया गया। तो आइए आयोजकों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी परंपरा है जैन मिलन लखनऊ की, और लखनऊ चैप्टर खास तौर से ऐसे आयोजन राजधानी लखनऊ में करता रहा है कि जैन समाज को लेकर के जो एक नई चेतना, नई जागृति और जो नई बातें हैं वो समाज के सामने आ सके। आइए बातचीत करके कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेते हैं। जैन मिलन क्षेत्र संघ के अध्यक्ष, हम इसके कार्याध्यक्ष हैं और जैन मिलन लखनऊ के अध्यक्ष हैं। जैन मिलन लखनऊ वीर शासन जयंती का कार्यक्रम विगत 40 वर्षों से करता आ रहा है। हम लोगों का ये विचार था कि हम लोग संगोष्ठी आयोजित करते थे, धीरे धीरे 2008 में ये बात आई कि जो भी जैन मिलन से जिन्होंने सक्रिय योगदान दिया है उनको मिलन उपलब्धि सेवा सम्मान या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उसको सम्मानित करें। ये परंपरा हमने 2008 से शुरू की और 2019 तक ये निरंतर चालू रही। 2020 और 2021 जो कि कोरोना काल था, इस बीच में हम कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। फिर हमने 22 में सोचा, 22 में भी कोरोना का कुछ असर था, इसलिए 23 में हमने 2022 और 2023 के सम्मान मणिकांत जैन की स्मृति में 2022 का सम्मान वीर नवीन कुमार जी जैन अय्यागंज और 2023 का सम्मान वीर संजय जैन सादक जैन को प्रदान किया। इसी के साथ श्री ऋषभ प्रसाद जी जैन, जो कि जैन धर्म के प्रमुख विद्वानों में से एक थे, जिनका विगत वर्ष नवंबर माह में शरीर शांत हो गया था, उनकी स्मृति में दिगंबर जैन विद्वत परिषद ने एक बुलेटिन जो आपको मिली हुई जिसका विमोचन हुआ है, इसका विमोचन किया। और इसी के साथ साथ एक चीज और बनी कि मेघावी बच्चे जो लखनऊ में आईएएस आईपीएस होते हैं इनका भी सम्मान करें। तो 2019 में हमने अनुराग जैन का सम्मान किया था, आज हमने श्रेयांशी जैन जिसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ उसका सम्मान किया है। एक जाह्नवी जैन है जिसका आर्किटेक्ट में उसने 100 में से 100% अंक आए हैं, उसका हम लोगों ने सम्मान किया। फिर हम लोगों ने एक विचार बनाया कि मेघावी बच्चों का भी हम सम्मान करें, तो आईसीएसई यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई 90% से ऊपर जिसके 90% तक नंबर आए हैं हम उसका सम्मान करेंगे, और यूपी बोर्ड में 80% जिसका आएगा उसको हम सम्मानित करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम ये विगत 40 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्र संख्या 1 भारतीय जैन मिलन, और ये जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ शाखाएं हैं क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र 1 के अंदर, जो कि बनारस, इलाहाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, इस तरह से जो क्षेत्र के अंतर्गत शाखाएं आती हैं उनमें हम लोग जो जाके प्रचार प्रसार करते हैं, और मिलन की भावना सबसे मुख्य हमारा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कैसे मिलें और मिलने के बाद कैसे समाज को उत्थान करें, और कैसे समाज में जो अजैन समाज में भी हैं उन लोगों की सेवा भाव हम लोगों के अंदर आती है कि हम लोग सेवा भाव उनका करते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी औषधि का वितरण किया, भोजन का वितरण किया, अन्य और जो सेवाएं हो सकती थी हम लोगों ने उस काल में की, उसके अतिरिक्त भी हम लोग सेवा के कार्यक्रम करते रहते हैं। समय समय पर हमारे विशाल जी और अन्य जो शाखाएं हैं हम दोनों मिलके अन्य शाखाओं को भी उन शाखाओं में जाके उनको प्रेरणा देते रहते हैं कि वो किस तरह से हमारे समाज को और अन्य समाज को जो कि जैन समाज से अलग आते हैं उनकी भी कैसे हम लोग शिक्षा में और भोजन में और चिकित्सा में उनके आगे बढ़े वो, और उनका इस तरह से हम लोग सम्मान करते हैं। एक चीज़, और कोरोना काल में उनका एक लक्ष्य था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आज भी वो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जो है सेंट्रल स्कूल के सामने पत्रकार परम गोमती नगर में चला रहे हैं, जो कि 1 बजे से 3 बजे तक चलती है। आज भी वो चल रही है, उनके जाने के बाद भी उनके परिजन और उनके सहयोगी कर रहे हैं।